पॉइंट के बाद में अब हम आपको सिग्नल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इस सिग्नल से स्टार्ट करेंगे। ये जो सिग्नल है इसे होम सिग्नल बोलते हैं। अगर हम इस पूरे स्टेशन को अगर एक होम की तरह कंसीडर कर लें तो उस होम के अंदर में एंट्रेंस मिलना है या नहीं मिलना है वो इस सिग्नल के द्वारा ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए इसे होम सिग्नल बोलते हैं। इस होम सिग्नल को यहाँ पर दिखाया गया है पैनल के ऊपर इस जगह पर। ये आप जो सिग्नल देख रहे हैं ये होम सिग्नल यहाँ पर दिखाया गया है। अभी इसका एस्पेक्ट रेड है। रेड का मीनिंग है कि ड्राइवर जब भी इसे देखेगा तो ये मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद में हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट का क्या मतलब है और कैसे ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि उसे कौन सा रूट स्टेशन पे दिया गया है और उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगी, इसके बारे में जानेंगे। जब ये इसका रेड के बाद में ऊपर जो लाइट यहाँ पर एलईडी है ये येलो कलर की है, इसके बाद में ये ग्रीन कलर है। ये सारी एलईडी लाइट जितनी भी हैं ये येलो कलर की हैं। ये रूट इंडिकेट करने के लिए काम आती हैं, ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि कौन सा रूट सेट है। सबसे पहले हम रेड के बाद में येलो की तरफ आते हैं। ये हम यहाँ पे पैनल पर आप देखिए, पैनल पर हम इस रूट को बिल्कुल सीधा सेट करते हैं। ऑलरेडी सेट है रूट सीधा, ये पॉइंट नॉर्मल में है, पॉइंट नंबर 108 भी नॉर्मल में है, आगे का ये पॉइंट भी नॉर्मल में है। तो हमने इस रूट को ऑलरेडी सेट है, अब लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में ये सिग्नल येलो आ गया। यहाँ पर ये येलो आप देख रहे हैं, इस येलो सिग्नल का मतलब है ड्राइवर इस येलो सिग्नल को देख करके इमीजिएटली समझ जाएगा कि उसे मेन लाइन पर जाना है, इस स्टेशन की मेन लाइन पर जाना है और नेक्स्ट सिग्नल जो है प्लेटफॉर्म पर जाकर के खड़े हो जाना है। प्लेटफॉर्म पर जो सिग्नल आप देख रहे हैं वो रेड है और वहाँ तक ये ड्राइवर जा पाएगा। इसके बाद में हम उस सिग्नल को भी, उस सिग्नल से प्लेटफॉर्म पर से जब गाड़ी आगे को बढ़ेगी नेक्स्ट स्टेशन की तरफ तो उस सिग्नल को भी हम येलो करते हैं। येलो के बाद में फिर अभी आपने देखा कि ये प्लेटफॉर्म पे जो सिग्नल था वो येलो हो चुका है। उसके बाद में आगे का जो सिग्नल है उससे अगला वो सिग्नल भी हम ग्रीन कर देते हैं और ग्रीन के साथ में ये प्लेटफॉर्म वाला सिग्नल ग्रीन हो चुका है और उसके ग्रीन जाते ही ये सिग्नल भी ग्रीन आ गया। जब ड्राइवर देख लेगा कि ये सिग्नल ग्रीन है तो वो इमीजिएटली समझ जाएगा कि उसे मेन लाइन पूरी तरह से फ्री है, सेट है और पूरी तरह से लॉक्ड कंडीशन में है। उसका रास्ता पूरा का पूरा मेन लाइन से सीधा सेट किया हुआ है, लॉक किया हुआ है और वो पूरी तरह से सेफ है। ये इंश्योर करने के बाद ही यहाँ पर सिग्नल रेड से येलो या ग्रीन में आता है। चूँकि अभी सिग्नल ग्रीन है तो वो पूरी स्टेशन से थ्रू निकल जाएगा विदाउट एनी स्टॉपेज और फुल स्पीड पर जा सकता है क्योंकि सिग्नल ग्रीन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ड्राइवर तक पहुंच गई, जैसा हमने आपको बताया था कि ड्राइवर को कम से कम अगले 4 से 5 किलोमीटर तक की पोजीशन का पता होना चाहिए कि उसका रूट कौन सा लगा हुआ है।